कृष्ण छठ की छठा देखते ही बन रही है। घाटों और तालाब किनारे महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि छठ का व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं और छठी मैया को प्रसन्न करती हैं। वहीं छठ पर्व पर लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता हेमंत यादव ने घाटों का जायजा लिया। अपने पूरे सवाब पे है, हम इस वक्त खड़े हैं कबीर घाट पर। महान सूफी संत संत कबीर का ये कबीर घाट है और गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले का ये सीमा है। ये आमी नदी है, कबीर की अमिया है। यहाँ पर छठ पूजा पूरे अपने सवाब पे है और व्रती महिलाएं, हम दिखाना चाहेंगे कबीर घाट का नज़ारा, जहाँ पर व्रती महिलाएं व्रत रख कर जो है छठी मैया को खुश करने में लगी है और मनोकामना मांग रही है। और ये छठ पूजा जो है बच्चों के पुत्र प्राप्ति और जो है बच्चों की दीर्घायु का त्यौहार माना जाता है। ये माना जा रहा है कबीर घाट पर हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं जो है छठी मैया की पूजा में लगी हुई हैं और छठ का पर्व अपने पूरे सवाब पर देखा जा रहा है। और आपको आइए दिखाते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस पर्व का क्या महत्व है। आप बताइए, इस पर्व का क्या महत्व है, क्यों मनाती हैं? इस पर्व का बहुत महत्व है। छठी मैया बहुत, कोई भी गरीब दुखिया कोई भी सच्चे मन से अगर मनोकामना मांगता है तो जरूर पूरा करती हैं। जिस तरह से आपने देखा कि महिलाओं का मानना है कि सबकी मनोकामना जो है छठी मैया पूरा करती हैं, और भी महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, आप क्या मानती हैं? यह बिहार का पर्व है लेकिन अब इस यूपी में भी बहुत जो मतलब बहुत अच्छे से इसका पर्व मनाया जाता है, क्योंकि छठ माता से जो मन्नतें मांगी है वो पूरी हो जाती है, इसीलिए लोग बहुत यूपी में हर जगह इस पर्व का बहुत महत्व बढ़ गया है। बहुत आपने देखा कि जैसा कि लोगों का यहाँ आस्था है कि छठी मैया का जो ये छठ पर्व है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस तरह से ये सूर्य को जो है डूबते सूरज को आज अर्घ दिया जा रहा है, तो कोई जो है पुत्रों की अपने दीर्घायु की कामना कर रहा है। हेमंत सिंह यादव, इंडिया वाइस, गोरखपुर।